अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इंतहाई अहम है और वो टॉपिक है शेयर मार्केट में पैसे लगाना हलाल है या हराम। अगर हलाल है तो कौन कौन से तरीके हलाल हैं। आइए इस सिलसिले में हम दारुल उलूम देवबंद के फतवे को देखते हैं। दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक शेयर मार्केट में पैसे लगाना चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर एक, वो कंपनी किसी हराम कारोबार में मुलव्वस ना हो। नंबर दो, उस कंपनी के तमाम असासे और इमलाक नकद रकम की शक्ल में न हों बल्कि उस कंपनी के कुछ मुंजमित असासे भी हों, वरना कमी ज्यादती से फरोख्त करना हराम होगा। नंबर तीन, अगर उस कंपनी का हराम कारोबार में मुलव्वस होना मेंबर बनने के बाद मालूम हो तो उसकी सालाना मीटिंग में आवाज़ उठाई जाए। नंबर चार, नफ़ा का जितना हिस्सा सूदी कारोबार से हासिल हुआ हो उसको बिला नियत सवाब फ़ुकरा वगैरह पर सर्फ कर दिया जाए। नंबर पाँच, शेयर्स की खरीदो फरोख्त से मकसूद हिस्सेदारी हासिल करना हो, नफ़ा नुकसान बराबर करके नफ़ा कमाना मकसूद न हो, जिसमें न तो शेयर्स पर कब्ज़ा होता है न ही कब्ज़ा पेश नज़र होता है, क्योंकि यह सट्टाबाजी की शक्ल है जो हराम है। तो नाज़रीन कराम, अगर इन शराइत को फॉलो करते हुए आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो वो पैसे हलाल होंगे, अदरवाइज़ वो पैसे हराम होंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।